हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर संजीव की जय। जय भक्त विघ्न विनाश शंकर नृसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व अभीष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जोगिनी एकादशी की जय। एकादशी पालन करी भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रमानंदी। तो आज जोगिनी एकादशी कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं कि जोगिनाम भी सर्वेशम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भक्ति जो मांग समय युक्त तम मत। देखो मेरा विचार कैसा है, विचार सुन लो। कितने सारा योगी है जो कहता है किंतु मेरे को सब कुछ नहीं मानता, मेरे प्रति उनका आसक्ति नहीं है, तो किस चीज़ का योग है, किससे योग युक्त हुआ? नाम दिया योगी, भाई किससे योग किया? इससे कृष्ण ने कहा यदि कोई योगी हो, योगी नाम अपि सर्वेशम, सब कुछ यदि मेरे लिए समर्पण किया, मद्गतेर अंतरात्मना, आत्मा तक मद्गते मेरे को समर्पण कर दिया और मेरे अंदर प्रवेश कर गया, अर्थात मेरे को अपने हृदय में ला के रख दिया, तो उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगा। श्रद्धावान लभते जो माम, यदि योगी बना भगवान को हृदय में नहीं ला पाया, जो किससे किया, जो युक्त किससे हुए, फिर तो त्यागी है, योगी नहीं भोगी है। योगी का मतलब है योगयुक्त तो होना, तो किसका लक्षण बतला रहे भगवान? योगी नाम अपि सर्वेशम, सब कुछ मद्गतेर अंतरात्मना मेरे को दे दिया, तो मेरे से योगयुक्त तो हो गया। ऐसे व्यक्ति का क्या परिचय है? कहते इन ऐसे व्यक्ति का परिचय ऐसे होगा, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, वो उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगा, ये लौकिक की नहीं पारमार्थिक की। और वो श्रद्धा कैसा है? कहते हैं श्रद्धावान भजते, वो क्या भजन करेगा, क्या लाभ करेगा? कहते हैं समय युक्त तो मत, मेरे से युक्त हो गया तो, और किसी से उनका उपेक्षा नहीं, घृणा नहीं, लालसा नहीं, और किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं, अप्राप्ति की इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे को प्राप्त करने के बाद में कुछ बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ तो उनको मिल गया, अब किस चीज़ की चिंता है? और यदि योगी कहता है श्रद्धा नहीं है, भगवान के लिए समस्त समर्पण नहीं कर पाया है, और किसी चीज़ का आकांक्षा है प्राप्ति अप्राप्ति का, कुछ खो गया तो दुखी, मिल गया तो सुखी, तो ये योगी नहीं है। तब उस समय भगवान केवल मात्र अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसा नहीं उद्धव जी को भी कहते हैं, देखो यदि तुम कहे तो तुम मेरे पास हो, मैं जा रहा हूँ, तुमको नहीं ले जा रहा हूँ तुम अनाथ हो जाओगे, इसका मतलब क्या है? तुम मुझे मानते हो किंतु मेरे भक्तों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं, इसलिए तुम जाओ मैत्र ऋषि के आश्रम में, उनसे जाके मेरी कथा सुनना, उनसे जाके कुछ ज्ञान लाभ करना, अर्थात
तत्वज्ञान विचार को सीखना। तो भगवान के पास रह करके कुछ कमी रह गया क्या? कुछ सीख नहीं पाया? साक्षात सेवा किया, साक्षात रहे, तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं? ले नहीं रहे, अब भेज रहे कहाँ? मैत्रेय ऋषि के पास। तो अब भगवान कहाँ है? ऋषि के पास है या अपने पास है? भगवान सदा अम्भक्त पराधीन हो, भक्तों के निकट पराधीन है, भक्तों के निकट भगवान विराजमान है। इसलिए बन गया योगी, किंतु भगवान के भक्तों के साथ कोई संबंध नहीं। तो जुग जुग तो कौन करेगा? अपने आप ऐसे नहीं होता, कर नहीं सकता। जब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, चंचल ही मन कृष्ण प्रमतानी बलभद्रम तस्याम निग्रमण्य वायुरिवस सुदुष्करम, तब कृष्ण कहते हैं, भाई कह तो दिया तुमने हैं, किंतु तुम साधन कर कुछ नहीं कर पाओगे हैं। क्या करो हैं? अभ्यास से जोगे ना, कुछ अभ्यास करो धीरे धीरे हैं, किंतु अभ्यास कैसे करेगा, सीखेगा कौन? इससे भगवान स्वयं कहते हैं एकादशी देवी को, देवी जाओ, ये लोग कैसे मेरे से युक्त तो हो सके, इसके लिए उपयुक्त योग्यता शिक्षा और उपयुक्त मेरे प्रिय भक्तों के साथ युक्त तो कर दो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भटकते रहेंगे, बह जाएंगे। भगवान ने क्या किया? कामेवन में कामेश्वर महादेव है, कभी सबको वहाँ भेज दिया, जाओ उनके उपासना करो और के अर्थात उनके कामनाओं को पूर्ण कर दो। क्या कामना है, तमन्ना क्या है? कभी उन लोगों को दुर्भाग्य के पास भेज देते हैं। जब भक्तों के निकट जाएंगे तो भगवान के महिमाओं को अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो भगवान के पास जाकर के भगवान के महिमा कुछ नहीं समझ सकते। भगवान अपने महिमान्वित होकर के भी अपने किसी को अपने गुणों का कीर्तन नहीं करते। कृष्ण स्वयं इसे इन तथ्यों को जानने के लिए कभी ऋषि महर्षि के पास, कभी देवताओं के पास इधर उधर भेज करके किसी को वंचना करते हैं, कहते नहीं। सबे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जो जितने ही भगवान से जुड़े हुए हैं और जो भगवान के प्रिय है वो इतना ही और किसी को मदद कर सकते हैं। किंतु ये श्रद्धा जो परमार्थी की, जब तक नहीं होता है तो परमार्थी की श्रद्धा नहीं है। तो परमार्थ में कौन है कौन नहीं है यह आता पता नहीं चलेगा, वहाँ वंचित होने का डर रहता है, बहुत भय रहता है कि जीवन नष्ट हो जाएगा, असत्संग हो गया तो शुद्ध साधुसंग नहीं हुआ तो मुश्किल है। इससे जगन्नाथपुरी में बलदेव प्रभु, फिर बाद में सुभद्रा जी और बाद में कृष्ण जगन्नाथ स्वयं, कहते गुरु के पास कोई आया, गुरु स्वयं
सुभद्रेति सुभद्रा, अर्थात अमंगल को नाश करके अनर्थ से दूर करके भगवान के सेवा में नित्य जोगयुक्त करेंगे अर्थात अधिकार देंगे। तो इस एकादशी में ही बतलाया जोगिनी एकादशी, अर्थात उपासना किसकी है, आराधना भगवान के सेवा में कौन नियुक्त करेंगे। और जिसको चाहिए ही नहीं, जिसको अपनी सेवा चाहिए तो एकादशी देवी क्या व्यवस्था करेंगे ऐसे, कहते हैं नहीं। कहते हैं महाराज अम्बरीश एकादशी आया जान करके दशमी को ही हस्तिनापुरी भेज दे, छोड़ देते राजधानी, आ जाते मथुरा में, मथुरा मंडल में आकर जमुना किनारे तंबू डाल के सब भक्तों को ब्राह्मणों को निमंत्रण देके हरि कीर्तन यज्ञ आदि दिन भर करते। किंतु सुबह क्या होता, ब्राह्मण संतों को भोजन करा करके उपयुक्त दक्षिणा देके तब वो पारण करते। तो कहते उस समय भगवान जब ये तो मेरा भक्ति करता है, भक्त है, एकादशी कर रहा है, मेरे से जुड़े हुए हैं और सब भक्तों को लेके मेरे को मेरी उपासना करता है। अब दुर्वासा ऋषि सबको मालूम है, जबकि आया और उनको अभिशाप देने लग गए, किंतु अम्बरीश महाराज डरे नहीं, सहमे नहीं। उस समय सुदर्शन चक्र जब उनके पीछे पड़ा तो घूमते घामते भागते भागते भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गया। तो भगवान क्या कहते हैं, भाई मेरे पास कुछ नहीं, साधवो हृदय मुज्यम मह्यम साधुनाम हृदयंतम मदनते न जानती न हम ते मनागोपी। मैं साधु के हृदय हूँ, साधु लोग मेरे हृदय है, मैं साधु के बिना नहीं जानता हूँ और साधु भी मेरे बिना कुछ नहीं जानता है। अहम भक्त पराधीन हूँ, यह स्वतंत्र दिजैव, मैं भक्त का पराधीन हूँ, तुम जाओ भक्त के पास जाओ। कांटा पैर में गड़ा तो और कंधे से नहीं निकलेगा, जाओ जहाँ तुमने गलती की वहीं जाओ। तब वो दुर्वासा जोगी है, किंतु जोग कहाँ है, भगवान के पास गया, भगवान ने भगा दिया, शिव जी ने भगा दिया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया, तो कहाँ जोग है। इसे लौट के आना पड़ा भक्त के पास। तो कहते हैं जब तक कि भक्तों के महिमा नहीं जानते, भक्तों के साथ जोग युक्त तो नहीं है, तो परमार्थ तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये श्रद्धा होना बड़ा कठिन काम है। इसे भगवान ने खुद बतलाया कि देखो भाई जोगिनाम भी सर्वेशा मदगते अंतरात्मना, श्रद्धावान हो भगवते माम या लवते माम समय युक्त तम मत। यदि श्रद्धावान है, श्रद्धावान जन है भक्तिर अधिकारी, श्रद्धा नहीं है किंतु लौकिक की नहीं, दो दिन की देखावा नहीं, पारमार्थिक की श्रद्धा। पारमार्थिक श्रद्धा मतलब कैसे भगवत पृथ्वीधान के लिए मेरा सब कुछ हो, अर्थात एक मुहूर्त काल भी नष्ट नहीं हो जाए, नहीं तो कर्म बनेगा और कर्म होने से कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कितने जन्म नष्ट हो गया और नष्ट होगा और प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त तो नहीं होगा। जिनमें प्रीति है वही तो दे सकता है। कहते जा प्रीति अविवेका नाम विशेष अनुपाय नहीं, अविवेकी व्यक्ति के साथ यदि प्रीति हो गया है ना तो उनका जैसे विषय में प्रीति है तो हमारा मन भी उधर ही भागेगा, ऐसी इच्छा होगा, बिना सत्संग न पाव ही प्राणी, बड़ा मुश्किल। और इधर क्या कहते हैं कि
अभी कि व्यक्ति का विशेष वृत्ति है तो हम उसका संग न हों। कहते अनन्य ममता विष्णु ममता प्रमता दिखा, अनन्य ममता कोई दरार नहीं, न अन्य और किसी वस्तु के लिए प्रीति नहीं, भगवत सेवा का नहीं, ऐसा निष्किंचन अकिंचन भक्तों के संगति कैसे हो। इसलिए जहाँ जहाँ उत्सव आदि होता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, हरि कीर्तन हो रहा है, हरि कथा हो रहा है, वहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ऐसे ममता, हाँ अनन्य ममता कैसे प्राप्त हो, और यह उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो, नष्ट नहीं हो जाए। तो ये सत्संग अर्थात जोगमाया का जो शक्ति है किसमें है, जोगमाया की कृपा किसके ऊपर है। जब गोपियों ने एक महीना व्रत किया गुरु के आदेश से, मंत्र मिल गया, पूजा आदि किया, सब कुछ किया, तो कृष्ण आए, कृष्ण आकर के उनको बहुत सताया और बाद में भी उन लोगों को बोल दिया मैं एक साल बाद तुम लोगों से मिलूँगा, अभी नहीं। किससे, अभी जो अनन्य भगवान के प्रिय सेवक सेविकाएँ हैं, हैं उनके साथ अभी संबंध नहीं, उनसे प्रार्थना नहीं करते, अपना साधन करके भगवान को पालेंगे, जब भगवान मिल गया ना बस सौभाग्य मत आ गया, अभिमान आ गया, तब भगवान ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, टेक दिया, ऐसे वंचित होने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो शिक्षा के लिए प्रभु मिले भी, दोबारा प्रभु ने दिखाया यदि तुम लोग इनके अनुगत्य में नहीं होते तो मैं कभी नहीं मिलता और न कभी दर्शन देता। जब श्रीमती राधारानी के निकट शरणागत होकर के यमुना किनारे आकर के गोपी गीत गाया तो भगवान मिले, दर्शन दिया। इससे कदे मद्भक्त अनुग्रहाय मानुष्यम देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जा सुत्ता तत्प्रभवित। भगवान अकेले अकेले नहीं रहते, न कुछ करते, उनका लीला जितना क्रीड़ा सब भक्तों को लेके प्रिय अंतरंग भक्तों के साथ, तो वो भजते तादृश क्रीड़ा उसका भजन करो, उपासना करो और भक्तों की उपासना करो, तब भजते तादृशी क्रीड़ा जा सुत्ता तत् करो भवित, जो सुनने से भी आपको वो श्रेष्ठ गति मिलेगा। तो भगवान के जो प्रिय सबसे उन्नत अति उत्तम लीलाएँ उसका ही यहाँ महिमा है। तो इससे जोगयुक्त होने के लिए जोगिनी एकादशी अर्थात ये भगवान ने कृपापूर्वक शक्ति संचार की, इससे भगवान अनवसर काल में दर्शन नहीं देते, किसी सेवा नहीं लेते, भक्त लोग तितर बितर हो जाते हैं, किंतु भगवान ने आदेश दिया जोगिनी एकादशी को। भगवान के सेवक लोग इस समय क्या कर रहे हैं, अनवसर काल में रस्सी बनते नहीं, भगवान के भोग के बिना कुछ पाते नहीं, तो भगवान फल फूल खा रहे हैं, कंदमूल और दवाई खा रहे हैं, पाना पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, भक्तों भी ऐसे वही खा रहे हैं पी रहे हैं। देखो भगवान का भोग नहीं हो रहा है, भक्त भी स्वतंत्र भोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। जगन्नाथपुरी में आज भी कितने हजारों ने लाखों लोग जगन्नाथ के प्रसाद के बिना कुछ भी नहीं ग्रहण करते, कभी नहीं, मर जाएंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस समय 15 दिन तो अनवसर काल है, तो भगवान फल फूल खा रहे हैं, तो वो भी फल फूल खा रहे हैं। तो कहते हैं देखो भक्त
के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, भक्त की पूजा करते नहीं, भक्त की आराधना करते नहीं, भक्त का नाम मंत्र का जप करते नहीं हैं, तो तुम मेरे साथ जुग जुग कैसे हो गए। तो जोगिनी एकादशी क्या किया, जब सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म ग्रहण की हिमालय की कन्या के रूप में, तो जन्म तो ले ली और बचपन से ही बड़े जोगिनी बट ध्यान धारणा तपस्या में रहते हैं। तो नारद ऋषि आए, आकर बोले देखो तुम धीरे धीरे जौवन प्राप्त करोगे और तुम्हारे पास हिमालय की कन्या, तुम्हारे पास सब सद्गुण है और तुम्हारे पास देवता लोग आएंगे और सब आएंगे तुमको स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए, बहकाने के लिए, तुम शक्त बनो। तो कैसे, बोले शिव जी की उपासना करो, शिव जी को अपना प्रियतम मान लो, वो जब तक स्वीकार नहीं करे और किसी के साथ संबंध नहीं करना, क्यों, शिव जी अनन्य भक्त हैं, भक्ति में उनका सबसे मुख्य अधिकार है और उनके समान भक्त कोई मिलेगा नहीं है। और उनकी इतने महिमा सुनाया, उनको उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर दी, अब वो तपस्या कर रहे हैं। इधर शिवजी समाधि में है और शिवजी समाधि में गए तो जगत अंधकार छन्न हो गया, तमगुण छा गया है, बड़ा दुर्दशा हो गया। देवताओं ने कोशिश किया, सब ने कोशिश की, कुछ नहीं कर पाया। कामदेव जल गया है, कोई कुछ नहीं कर सका। तब ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से, ये अब तमगुण तो इतना बढ़ गया, धन से महाप्रलय हो जाएगा, कौन इन गुण अनर्थों को दूर करे, पाप ताप से लोगों को मुक्त करे, अभी प्रीति को खत्म करे हैं, वो तो शिव ठाकुर तो समाधि में है। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बोले, सब देवताओं को लेके चलो, हम ही चलते हैं, और जाकर के वहाँ नाम कीर्तन शुरू करो। जब कीर्तन शुरू करेंगे तब उनका समाधि टूटेगा। विशाल कीर्तन शुरू कर दिया, पहले बहुत कुछ किया, कुछ नहीं, जब कीर्तन शुरू किया, वो कीर्तन का रस पान करके हाँ वो प्राकृत अर्थात समाधि से बाह्य दशा में आ गए, अंतर्दशा बाह्य दशा आ गए। उस समय सब लोग मिले, मिल करके पार्वती जी को ले आया और ले आ करके शिव जी के निकट समर्पण किया, क्यों नहीं तो शिव जी दोबारा समाधि में चले जाएंगे, परिकथा करेंगे नहीं, भक्त के बिना शिष्य के बिना कुछ कथा कीर्तन तो होंगे नहीं, कोई रहे नहीं तो अकेले अकेले क्या करेंगे, उस ध्यान करेंगे, समाधि में चले जाएंगे। और जब पार्वती रहेंगी तो पार्वती के अनुचर अनुचरी और सब लोग अनुरोध करेंगे हरि कीर्तन के लिए, कथा के लिए, छोड़ेंगे नहीं। तो देवता लोग वहाँ पर जब पार्वती को समर्पण किया, अब शिवजी के निकट कथा का सत्र खोल दिया, कीर्तन सत्र खोल दी, अब बड़ा बड़ा महोत्सव होने लग गया। शिवजी सबको भगवान के भक्ति में विलीन कर दी, सबका अनर्थ अपने आप भग गया, इसके साधन करने की जरूरत नहीं। जब आप भक्ति में अग्रसर होंगे तो पीछे देखने की भी जरूरत नहीं, कब अनर्थ गया, कब तम गया, अंधकार गया, सब खुशहाली हो गया। तीसरे नारद जी का ये उद्यम है और हिमालय कन्या पार्वती जब से हरिकथा के बिना एक मुहूर्त नहीं रहते, हरि कीर्तन, हरिकथा, हरिरस, मदिरा, मदादिमत्ता, सब समय हरिरस पान करते हैं। कभी कभी तो सुखदेव के समय भी टपक पड़ते हैं वहाँ, वो भी जाकर के अपना सेना जाप्ति करके लूट करके ले लेते हैं, कोई और भी पहुँच जाते हैं, सब जाते हैं हैं। ऐसा कोई नहीं है जो शिव जी के निकट जाते नहीं, कथा सुनते नहीं।
जिससे अनन्य जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके साथ जब तक जिसका अनन्य ममता है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेमता अधिका, ऐसे अनन्य ममता वाले भक्तों के साथ संबंध के लिए ये जोगिनी एकादशी का आविर्भाव है। अब हम लोग आगे सुनेंगे, काल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरे शुद्ध भकत चरण रेणु भजनयानुकूला, शुद्ध भकत चरण रेणु भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलते करमूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला, माधवती भक्त जननी यतन पालन करे, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर वरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला, गौरयामा सबस्थाने करल ब्राह्मण रंग, सबस्तान हरि बयामी प्राणाय बकत संग, शुद्ध भकत चरण रेणु भजनयानुकूला, मृदंग बाजा सुनित मां अवसर सदयाच, गौरविहिता कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला, युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाया,
प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया शोधा बकता चारण रेनु भजनयानुकूला यदि न गृह भजन देखे गृह ते गोलोक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुकन सीमा पाया शोधा बकता चरण रेनु भजनयानुकूला तुलसी देखी जोड़ाया प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सर्तक मानी शोधा बकता चरण रेनु भजनयानुकूला बकति विनोर कृष्ण भजने अनुकूला पाय जा प्रति दिवस परम सुख स्वीकार कर ये शोधा वकता चरण रेनु भजनयानुकूला एकादशी तिथि भक्ति जननी यातन पालन करे कृष्णा वसति वसति बोली